नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर द जेंटलमैन नाम करके एक सीरीज आई है जिसको मैंने देख के खत्म कर ली। तो कैसी है सीरीज और क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हम लोग। तो देखो यार, अगर इस सीरीज की बात करें हम लोग, तो इस सीरीज के देखने के लिए आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखने होंगे। हर एपिसोड के लेंथ आप लोग को 1 घंटे ही देखने की मिल जाएगी। अगर बात करें फैमिली के साथ देखने, तो ये जो सीरीज है आप लोग फैमिली के साथ मत देखना। इसके अंदर आप लोग काफी ज्यादा ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा, उसके साथ ही साथ आप लोग को अडल्ट चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज को तुम मत देखना। देखो अगर बात करें इस सीरीज को देखने की, तो इस सीरीज आप लोग को हिंदी रब में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने की मिल जाएगी। और हिंदी रब भाई काफी अच्छा किया गया है इसका। तो बात की इसकी स्टोरी की, तो हम लोग को बहुत बड़े एक परिवार की स्टोरी देखने की मिलती है, जहां भाई जिनके जो ऑनर रहते हैं, जिनके जो फादर रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने के बाद भाई इनके जो दो लड़के हैं, इन दोनों में से किसी एक को भाई उनकी पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। बस दिक्कत ये होती है कि बड़े वाले की जगह भाई छोटे वाले को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इससे बड़े वाला भाई नाखुश हो जाता है, कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली। लेकिन भाई दोनों साथ में अच्छा खासा चल रहे होते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद अपने जब घर आता है, भाई उसके घर का पूरा नक्शा बदल जाता है। उसको पता चलता है कि मेरा बड़ा भाई जो है भाई मेरे नाक के पीछे भाई ऐसे कुछ कांड कर रहे हैं जो उसको करना नहीं चाहिए था। अब वो कांड क्या है, अब वो चीज़ क्या कर रहा है, इसे देखने के लिए आप लोग सीरीज को देखना होगा। देखो अगर बात करें इस सीरीज के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, तो यार इस सीरीज की मैं सबसे पहले मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूंगा। सबसे बेहतरीन लगी भाई इसकी हिंदी डब, और उसके साथ ही साथ भाई जो इसका हिंदी डब पर डायलॉग लिखा गया है हिंदी में, भाई वो कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी लगता है भाई। हर एक सीन पे आप लोग को हंसी आएगी, कहीं कहीं आप लोग को विलियम बूचर भी याद आएगा। अगर आप लोगों ने दी बॉय सीरीज देखी है, तो आप लोग को यहाँ पे हल्का हल्का वाइब यहाँ पे आती है उस सब डायलॉग से। और साथ ही साथ जितने भी कैरेक्टर जितने परफॉर्मेंस किए हैं, उन सभी ने भाई ऐसा जेंटलमैन वाला परफॉर्मेंस दिया है पूरा, देख के लगता है कि हाँ ये खतरनाक एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब चलने से लेके बैठने से लेके बोलने से लेके भाई हर एक चीज़ जेंटलमैन वाली रहती है लोग की। और साथ ही साथ भाई इसके जो एक्शन दिखाया गया, वो एक्शन में भाई काफ़ी ज़्यादा बवाल था। और भाई इसकी जो सिनेमोग्राफी थी काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई, काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत शॉट दिखाए गए इसके अंदर। और भाई जो एक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बवाल है, लेकिन ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हिंदी में जो डायलॉग है वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा मन रहती है सुनने में। बात करें नेगेटिव फीडबैक पर, नेगेटिव में मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा भाई इस सीरीज की लेंथ। भाई साहब इस सीरीज की लेंथ इतनी बड़ी है कि मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। देखो 8 एपिसोड, हर एपिसोड का लेंथ 1 ही घंटा है भाई, लेकिन 8 एपिसोड की जगह भाई 5 एपिसोड में भी कहानी खत्म हो सकती थी। लेकिन ये बात कौन समझाए भाई, ये लोग लगता है कि कौन सा नशा करके बैठते हैं ये लोग अपने स्किप देखने के। भाई 8 एपिसोड बनाना है तो 8 एपिसोड बनाना है, हम 5 में नहीं मानेंगे, हम 8 ही में मानेंगे। तो भैया क्या कर रहे हो तुम 5 में भी मान सकते थे ना। फालतू में लगता है कि स्टोरी जो है भाई फालतू में खींची जा रही है, बहुत ज़्यादा लंबी लगता है कि खींच रहे हैं लोग। उसके साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर है आप लोग को वो वाइब नहीं आती, लगता है कि बस जो मेन कैरेक्टर है बस वही है, और सब जो बाकी कैरेक्टर है भाई पानी कम चाय ज़्यादा वही वाला हाल लगता है यहाँ पे कभी कभी तो। और उसके साथ जो इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी भी भाई काफ़ी ज़्यादा हल्की लगती है। मतलब स्टोरी में काफ़ी उतना ज़्यादा दम नहीं है कि हम लोग को इंगेज कर पाए, लेकिन अगर स्टोरी में दम नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से कॉमेडी मसाला मारपीट एक्शन चलती है सीरीज में, तो इस चीज़ को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इस सीरीज़ को मैं ओवरऑल रेट करूँगा, तो अपनी तरफ से मैं इस सीरीज़ को रेट करूँगा 8.5 के आउट ऑफ 10 में से। सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, वन टाइम वॉच, एक बार आ जाओ तो एक बार देख सकते हो। बस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेंगे मत बना कि काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, तो उतनी ज़्यादा हाई देखने की नहीं मिलेगी। नॉर्मल सी है सीरीज़, देखो भूल जाओ ऐसा वाला हाल है, लेकिन आप लोगों को मज़ा देगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहना किसी और वीडियो में, जब तक टिल एंड टेक केयर।